रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ हुन तुस शिविरा नकल खबरां सुनो। उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू होरें कोस्टा रिका च भारतीय समाज दे लोकें गी देसे दी विकास यात्रा दा हिस्सा बनने दा आह्वान कीता ऐ। कोस्टा रिका दे सैन जोस च अज्ज बड़ले भारतीय समाज गी संबोधित करदे होई नायडू होरें उत्थे बसे दे भारतीय समाज गी अपने उच्च व्यवसायिक कौशल ते क्षमता कन्नै हासिल कीती गेदी सफलता लेई भारतीय समुदाय दी सराहना कीती। नायडू होरें आखेआ जे भारत 2025 बरे तक्कर 5 खरब डॉलर आली अर्थव्यवस्था ते तीसरी सभनें शा बड्डी उपभोक्ता आला बाजार बनी जाग। उनें गलाया जे कि जित्थे हर मोर्चे उप्पर प्रगति होआ'रदी ऐ उत्थें गै बन्ने पारा आतंकवाद विकास पासेआं ध्यान हटाना चाहुंदी ऐ। राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें कल जम्मू दे राजभवन च इक कार्यक्रम च स्टेट सर्विसेज डिलीवरी गेटवे यानी SSDG उप्पर सत्तें विभागें दी 19 सरकार थमां शहरियें आली ऑनलाइन सेवा दी शुरुआत कराई। इस ऑनलाइन मोड़ गी J&K ए गवर्नेंस एजेंसी ने विकसित कीता है। IT विभाग ने CDAC मुंबई कन्नै रलिए इस दी शुरुआत कीती ते www.jk.gov.in पर ए ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होग। इस ऑनलाइन सेवा कन्नै गै SSDG उप्पर कोई कुल 26 ऑनलाइन सेवा होई गेईयां न। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग दे सचिव सौगात बिस्वास होरें SSDG प्रोजेक्टें दी तफसीली प्रेजेंटेशन दित्ती ते नमी सेवा बारे भी जानकारी दित्ती। राज्यपाल होरें आखेआ जे कि इस ऑनलाइन सेवा कन्नै गैर जरूरी दखल अंदाजी कोला बचिया जाग ते कम्म च पारदर्शिता ते तेजी भी आओग। राज्यपाल होरें जिला उधमपुर दे कोई 20,000 केसें दे लाभार्थियें गी इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम तैहत DBT बारे भी मंजूरी देई दित्ती, जिस कन्नै बुजुर्गें दी पेंशन, महिलाएं दी ते शारीरिक रूपे कन्नै अक्षम लोकें दे पेंशन ऑनलाइन मोड कन्नै उनेंगी थ्होई सकदी ऐ। चुनाव आयोग ने सब्बे राजनीतिक दलें दे अध्यक्षें गी पत्र लिखियै आखे दा ऐ जे कि ओ अपने मेदवारें ते नेताएं गी चुनाव प्रचार दौरान सुरक्षाकर्मियें दी तस्वीरें दा प्रयोग नहीं करने दी सलाह दित्ती है। आयोग ने इत सरबंधै च सब्बे पार्टियें दे अध्यक्षें गी लिखिया है। इस पत्र च आयोग ने 2013 दे अपने परामर्श दा जिक्र कीता है ते कि लोकतंत्र च सशस्त्र बल गैर राजनीतिक ते निष्पक्ष हुंदे न। राज्यपाल दे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनाई और कन्वेंशन सेंटर कनाल रोड जम्मू च कल यानी 11 मार्च 2019 गी 10 बजे कोला दपैह्री दे 12 बजे तोड़ी पंजीकृत कराए दे प्रतिनिधिमंडले कन्नै मलाटी लेई उपलब्ध होंगन। रियासत भर च कल जिला ते तहसील सतह उप्पर जम्मू ते कश्मीर दी हाईकोर्ट दी विंग पासेआ राष्ट्रीय लोक अदालत गिते 8,015 केस हल कीते गेदे न ते कोई 18 करोड़ रुपए दोषियें कोला वसूले गेदे न। राष्ट्रीय लोक अदालत चीफ जस्टिस जम्मू ते कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल उंदी सरपरस्ती च लग्गी जेड़ी जे रियासती कानूनी सेवा प्राधिकरण दी पैटर्न इन चीफ भी हैन। रियासत भर च कोई 12,772 केसें गी लोक अदालत दी 116 न्यायपीठें दे अग्गे रखेआ गया ते कोई 18,78,39,432 रुपए मुआवजे समझौता राशि दे तौरा पर दुआए गए। जिला विकास आयुक्त जम्मू रमेश कुमार होरें कल जम्मू च जिले च चला'रदे बक्ख-बक्ख विकास कम्में दा जायजा लैने गितै इक बैठका दी अध्यक्षता कीती। जायजा लैंदे बेले DDC होरें मुतलका अफसरें गी तनदेही ते समें सिर कम्में गी सबूरा करने दे निर्देश दित्ते। उनें अफसरें गी जिमी सरबंधित रिकार्डें गी डिजिटाइज करने बारे भी गलाया। तोआईं DDC होरें जम्मू रिंग रोड प्रोजेक्ट दी प्रगति दा जायजा लैता ते प्रोजेक्ट च कुसै भी किस्मा दी मुश्कल गी दूर करने बारे भी चर्चा कीती। उनें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम तहत अमलावरी ते प्रगति दे कम्में दा भी जायजा लैता। उनें लाभार्थियें गी पारदर्शिता कन्नै शनाख्त करने ते इनें लाभार्थियें दे खाते च पैहा पाने बारे भी जोर भरेआ। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान यानी JKEDI ने कल जिला रामबन च जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी तहत एक कैंप दा आयोजन कराया। इस संस्थान ने रियासत दे हर जिले च इनें शिविरें च J&K स्टार्टअप पॉलिसी गी शुरू कराया, जिस गित्ते JKEDI गी नोडल एजेंसी बनाया गया। इस कार्यक्रम च कोई 152 प्रतिभागियें हिस्सा लैता। जिला विकास आयुक्त रामबन शौकत एजाज भाटोर मुक्ख परौहने हे। इस मौके बोलदे होई उनें प्रतिभागियें ते JKEDI गी अनारे दे बी इलाके च मधुमक्खी पालन जनेही गतिविधियें उप्पर ध्यान केंद्रित करने बारे आखेआ। इस मौके स्टार्टअप टीम ने अपने विचार भी सांझा कीते। इस बेले दे बुलेटिन च बस इन्ना गै।